यहाँ पे हम बात करें, इंडिया एट 2047, व्हाट डज इट टेक टू मेक द नेशन रिच, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो रिच इंडिया की विजन है हमारी कि इंडिया विल बिकम अ वेल्दी नेशन बाय 2047, जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया जा रहा है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए। सो लैक ऑफ इकोनॉमिस्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडिंग इन द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडिंग, जिससे कि हम एक वो पूरा बड़ा पर्सपेक्टिव दे पाए हमारी वेलफेयर प्रोग्राम्स में, उसकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। उसके अलावा हमने यहाँ पे बात की है डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की, सच एज ग्रोइंग फिस्कल डेफिसिट या फिर डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट रेट, ग्रोइंग सोशल डिसहार्मनी। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल डिसहार्मनी हियर, एंड रिविजन ऑफ डेटा। तो ये ओवरऑल यहाँ इसमें बोलना चाह रहे हैं कि विल इंडिया बिकम अ वेल्दी नेशन बाय 2047। तो वेल्दी किन किस कंटेक्स में, वेल्थ के हिसाब से मॉनेटरी वेल्दी, या फिर हैप्पीनेस, या फिर सोशल इक्वालिटी वहां पे। तो यहाँ बात कर वहां हम लोग बात कर रहे हैं कि बीइंग अ डेवलप इज नॉट इनफ, वेल्थ नीड्स टू बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, गिनी कोफिशेंट में आपका से एक वहां पर भी इक्वालिटी होना जरूरी होता है, जीरो आई थिंक होता है हाईली इक्वल गिनी कोफिशिएंट के अंदर में, इफ आई एम करेक्ट। तो इसमें बोला है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट शुड बी 8.5%, और दूसरा सोशल डिसहार्मनी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कम होना चाहिए सोशल डिसहार्मनी, मतलब देयर हैज टू बी प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन, लेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रेस जेंडर कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा, एंड अफर्मेटिव एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड इन टू द मेन स्ट्रीम, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन में हो, चाहे वो ट्राइबल्स इन मेन स्ट्रीम इंडिया में हो। तो उसमें डिसहार्मनी कम होगा, डिसहार्मनी कम करने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच को बढ़ावा देना पड़ेगा, सेकेंड लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्मेशन जहाँ पर सिस्टम है उसको फिर रिफॉर्म करना जरूरी होता है। फिर रिगार्डिंग द चैलेंजेस क्या है, जियोपॉलिटिक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, जियोपॉलिटिक्स कंसर्न क्योंकि इंडिया इज हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स चेंज होता है, इजराइल हमास रशिया यूक्रेन, तो इंडिया में पाम ऑयल और साथ ही साथ बाकी एनर्जी ऑयल नेचुरल गैसेस दे आर डिपेंडेंट, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसके कारण जो लोकल हेडलाइन इन्फ्लेशन वो बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस डिस्रप्शन इन टेक्नोलॉजी ब्रॉट बाई 5G AI एक्सेट्रा, दिस विल इम्पैक्ट द ग्रोथ रेट इन इंडिया, इट विल इम्पैक्ट द नेचर ऑफ द जॉब्स एंड द पीपल विल नीड रीस्किलिंग अपस्किलिंग इन फ्यूचर। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन जब लोग डिटेल में लेते हैं कि ED का रोल क्या, कल ही आया था कि ED हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा, दूसरा यूज ऑफ CBI जनरल कंसेंट, देन गवर्नर गवर्न एंड द चीफ मिनिस्टर ओवर द रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये तीन चार एरिया। फिर स्टेट बाउंड्रीज के बारे में इशू, सेंटर और स्टेट के बीच में BSF का जो इशू, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन, ऑन द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ द फंड, उसमें भी GST में कैसा उनका रिप्रेटेशन होना चाहिए स्टेट का इन द सेंटर, हर चीज पर एक चैलेंजेस है। 70% ऑफ द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन एट द स्टेट लेवल। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बोले वेल्दी कैसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो ही स्टेट ही स्ट्रेस्ड दैट इट शुड बी अ क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट द वेल्थ दैट विल डिटरमाइन द वेल्थ, हेल्थ केयर, क्लीन एयर, क्लीन एयर इंपॉर्टेंट है, आपके पास पैसा है बंगला है लेकिन क्लीन एयर ही नहीं तो क्या फायदा, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जॉब्स इंपॉर्टेंट, पर्सनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट, पर्सनल सेफ्टी के लिए सोसाइटल सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जब करेंगे तो अब आपका आपका जो इंडिया होगा वो वेल्दी नेशन होगा बाय 2047। कंटिन्यू एंड अगर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना हो सेंटर और स्टेट रिलेशन का जो स्टेटस अभी इंडिया में है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको? कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों में, कोऑपरेटिव है डिफरेंट सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल GST होता है, या फिर आप कंपटीशन हो गया हर एक स्टेट के बीच में, या फिर डिवोल्यूशन ऑफ फंड बाय द फाइनेंस कमीशन राज्यसभा में, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव
जब जो एग्जांपल ले ले, हर जगह कॉम्पिटिटिव और खींचतान, मुझे यह फंड मिलना चाहिए, सेंटर का स्कीम नहीं लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में, गवर्नर का रोल हो गया, वह कॉम्पिटिशन आपस में ओवर द बेलगवी केस जो कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में कॉम्पिटिशन, और एक तो दोनों ओके जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम सिर्फ लग्जरी से मेजर नहीं कर सकते, वेल्थ, हेल्थ केयर, क्लीन एयर, एडुकेशन, जॉब, इन सब से भी मेजर करते हैं। एंड यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वेल्दी नेशन होता क्या है। अ वेल्दी नेशन वो होता है दैट प्रोवाइड्स एवरी वन विद बेसिक नीड्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसको ऐसे में सोच सकते हैं एंड GS4 में, कि वेल्दी नेशन मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी नहीं होते सिर्फ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया एयरलाइन सच एज इंडिगो एंड एयर इंडिया एंड अकासा हैव मोर देन 1500 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडियन एविएशन सेक्टर है कितना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है एंड कैसे वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कंपटीशन बनते जा रहा है। इसके बाद इंटेंसिफाइड कंपटीशन इन ट्रैवल चॉइसेस बिटवीन अ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन एंड अ शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल सिटी, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो कंपटीशन के यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटवीन अ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन एंड अ शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल सिटी। तो इसमें बात हो रहा है कि डिमांड डिमांड सबसे ज़्यादा किसके है, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन का कि शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल, दोनों सेम किलोमीटर होंगे। शॉर्ट हॉल लिखा हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट हॉल कोई जाता है न्यूयॉर्क जगह गया या फिर यूके गया तो दुबई के थ्रू जाता है, तो शॉर्ट हॉल दुबई हो गए एग्जाम्पल, या सिंगापुर हो गया जापान में जाना है तो। लेकिन लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशन मतलब मुंबई टू कोलकाता या फिर कोलकाता टू न्यू दिल्ली, उसमें बीच में, और कि हर एक फ्लाइट का जो पाथ होता है इट विल इट इज ऑक्शन, तो उसमें कंपटीशन। की इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया हैव अनाउंस वेवर ऑफ द वीजा फॉर इंडियन ट्रेवल, इसी कारण ग्रेटर डिमांड फॉर द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हैज कम, डिमांड फॉर द बिजनेस एंड एंड प्रीमियम यहाँ पे इकोनॉमिक एयर। तो यस ओवरऑल ये जानना है कि करेंटली 1500 एयरक्राफ्ट आर ऑन ऑर्डर, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग एंड एयरबस, वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जेट इंजन नहीं बना सकते, बोइंग और एयरबस बनाते हैं। सिमिलरली सिमिलर इज विद द केस फाइटर जेट में भी। तो लॉन्ग टर्म में जो अगर हम फ्लाइट्स लोग हैं को सेफ रिलायंस बनना है तो जेट इंजन बनाना जरूरी होता है, तो अभी नहीं। तो अभी हम जेट इंजन कहाँ से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? चाइना। जेट इंजन इंपोर्ट नहीं करते हम लोग, सेकेंड हैंड इंपोर्ट करते हैं एयरक्राफ्ट जो ओके रिटायर हो जाते हैं यूरोप में और यूएस में, तभी तो इंडिया में जो एयर ट्रेफेयर है इट इज सब्सिडाइज, उड़ान के अंदर भी और आपका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, इसलिए अभी जो परचेज करें इट इज फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड बोइंग एक और यहाँ पे एयरबस। जेट इंजन हम यूज करते हैं प्रैट एंड विटनी इंजन जो यूके मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें वी वर सीइंग कि टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो दैट इज वन ऑफ द इंजन दैट इज यूज्ड एंड दैट इज नॉट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड। एंड जो एयर वर्दीनेस जेट इंजन स्टैंडर्ड, तभी यूज करेंगे मानसी जब अपना कैपेबल हो बनाने का एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट अगर बनाएंगे तभी आप जेट इंजन लगा सकते। फॉर एग्जांपल HL तेजस एयरक्राफ्ट अपना, लेकिन जेट इंजन बाहर का, अपने पास हाँ बाहर एयरक्राफ्ट ही भी नहीं, कर रहे हैं हम। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंजन्स पूरे इंडिया में कंट्री है। मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि जो एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड होते हैं एयरक्राफ्ट्स के, वो DGCA रेगुलेट करते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एंड हमारे पास एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वी कैन मूव। और एक और है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। यस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ मेजर सिटीज इन मिडिल ईस्ट आर यूजिंग देयर आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, बी इट द ओपनिंग ऑफ म्यूजियम्स और सेटिंग अप ग्रांट
सेटिंग अबव द ग्रांट्स टू फॉस्टर इनोवेशन बोथ इन द वेस्ट एंड इन द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात हो रही है, कैसे आर्ट रिलेटेड रेफरेंसेस हम लेके आ रहे हैं विद पोर्ट सिटीज कॉल्ड सच एज शरजा एंड जेडिश हैव बिन इम्पोर्टेंट। जेडा हाँ जेडा जेडा सरजा जेड दोनों दोनों यूएई में हाँ नहीं, एंड इफ जेडा आई थिंक जेडा इट इज इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, हम सऊदी तो अरेबिया और साउथ इंडिया सरजा यूएई में। सरजा एक तरह से प्री दुबई थे, सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस थे, अब वापस से वैसा नहीं रहा उनका स्टेटस दुबई के सामने। तो दुबई सिटी भी है और एक तरह से स्टेट जैसे, मतलब 7-8 अलग अलग रीजन है, वो मिलके वो यूएई बनते हैं। तो सरजा वन ऑफ द यूएई के। यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं आर्टिस्ट रन इनिशिएटिव्स की, सो इंडिया में क्या हम आर्टिस्ट रन इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे आर्ट का इन्फ्लुएंस हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा हो, हमारी स्मार्ट सिटी मिशंस में दिख रहा हो? स्मार्ट सिटी, अगर राम जन्म मूवी वगैरह वाले देखना है, गिफ्ट सिटी में देखना है, या फिर आपको अयोध्या में देखना है, तो आर्टिस्ट को रूप इन किया गया था फॉर द वॉल पेंटिंग, फॉर द स्ट्रीट आर्ट से लेकर के फिर लोकल हैंडीक्राफ्ट को से सजाया गया शॉप्स को, या फिर, और ये टेम्परेरी मेजर नहीं लिया था, परमानेंट। तो आर्टिस्ट को तो यूज किया जाता है, गुजरात में भी अगर साबरमती आश्रम के बगल में, तो आर्टिस्ट को यूज किया जाता है हर जगह। तो न्यू आर्टिस्ट पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्यों किया जा रहा है, वो क्वेश्चन है यहाँ पर इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर इकोनॉमी दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन मोस्टली ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। अब उनको पता है कि इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स ऑयल विल डिप्लीट और उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दैट इज वाई दे आर प्रोमोटिंग मेडिकल टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड एंड फिनटेक इंडस्ट्रीज। दुबई एक फिनटेक भी है, रियल इस्टेट भी है, और टूरिज्म प्रमोट भी करता है। तो टूरिज्म प्रमोट का एक तरीका भी है, बॉलीवुड हो गया, कल्चर्स हो गया, आर्ट, क्लाइमेट प्लेटफॉर्म। यस एंड ऑलरेडी जो रिच डिस्पोरा कम्युनिटी भी है वहां पे रिसाइड कर रही है ग्लोबल साउथ एंड वेस्ट वेस्ट इंटरेक्शन के लिए। ओके ठुकराल एंड टागराज ग्रीन मिशन, सो ये दोनों आर्टिस्ट हैं एंड जो आर्ट के थ्रू हमें साइंस पॉलिसी मेकिंग क्लाइमेट एक्शन इन सब के थ्रू एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाई है जहाँ पे एग्जीबिशन के थ्रू ये हमें नॉलेज प्रोवाइड इंटीग्रेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं देन फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लाइफ एंड दोनों कैसे फार्मिंग कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सस्टेना इंडिया जो प्लेटफॉर्म का नाम है, यहाँ पे द वे ऑफ लाइफ ऑफ कोंड पीपल कोंड कम्युनिटी इन उड़ीसा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद इमर्सिव वीडियो इंस्टॉलेशन ऑन द फॉरेस्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल कार्बन सिंक्स। ओके इसमें इम्पोर्टेंट है कि GS4 में उठा लेना आंचल दिव्या, क्योंकि कैसे आप आर्ट को यूज करते हो, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन मिशन। एंड जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, तो ये एक यूनिक तरीका भी हो सकता है इलस्ट्रेशन और वीडियो इंस्टॉलेशंस के थ्रू। यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं द नीड फॉर इंटरसेक्शनल एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन, ताकि क्लाइमेट एक्शन को हम और बढ़ा पाएं। तो इंटरसेक्शनल एंड पावरफुल स्टोरी टेलर्स। ओके वी कैन मूव फॉरवर्ड। कैसे किया जा रहा है वो देख लेते हैं एक बार। CEW डेटा, 8 out of 10 इंडियन नाउ लिव इन द डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्राउट। दैट इज वाई दे आर प्रमोटिंग द क्लाइमेट ग्रीन मिशन। और इसमें एक और, विल प्रेजेंट ए इमर्सिव वीडियो इंस्टॉलेशन ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल कार्बन सिंक कैप्चर फॉरेस्ट। तो कार्बन सिंक को प्रमोट करने के लिए, फिर सेंसरी इंस्टॉलेशन, कन्वर्सेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, सीजनल फूड, ये सब एवरीडे लाइफ मटेरियल कैसे यूज करें, लाइफ मिशन का एग्जाम्पल है, ये मिक्स एग्जाम्पल है।
एवरीडे मटेरियल को ऐसे यूज कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, टेक्सटाइल और कार्बन को ऐसे यूज कर एक रहे हैं। तरीके से अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के जो अलग अलग चैलेंजेस हैं उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ फूड क्लोथिंग वेस्ट आर्किटेक्चर फॉरेस्ट नॉन ह्यूमन, द एग्जीबिशन विल ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एज अ ग्रेजुअल एंड डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। वो टॉप डाउन मैकेनिज्म नहीं होगा, पीपल सेंट्रिक होगा, पीपल प्रमोट करेंगे ग्राउंड स्टोरीज फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द। और यहाँ पे गेम्स की भी बात की जा रही है कि फार्मिंग कम्युनिटी के साथ वो गेम्स में भी इंगेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर, लाइक 2030 नेट जीरो, विच क्वेश्चंस आर एवरीडे मूवमेंट एंड हैबिट्स, व्हाट वी ईट एंड हाउ वी लिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट इवेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेम्स में जो कि फार्मिंग कम्युनिटीज उनके साथ वो करते हैं। So that is also unique. Verbal kabaddi, a card game with tongue twisters and beeping farm, a 40-minute survival board game that explores the daily trials and tribulations of women farmers. तो इसको भी आई थिंक हम यूज कर सकते हैं ऐसे में। देन कम्स द प्राइवेट बैंक्स कंटिन्यू टू बेट ऑन पर्सनल लोन्स। तो पर्सनल लोन्स की यहाँ पे हम बात करें, लेंडिंग बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, कोटक हैव ग्रोन देयर बुक्स रिस्पेक्टिवली 37%, 32, 28। सो मानसी दी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग इन दिस अबाउट पर्सनल लोन्स। So personal loans, as we have talked about, with the growing number, because the concern is that they're unsecured loans. Unsecured is कि आपको कोई collateral नहीं रखना पड़ते if you're taking the personal loans. So इसमें RBI as a regulatory step, we saw it has increased the CRAR to 125 percentage points, because जो repayment, अगर suppose एक ऐसे time period पे if the banks major part is a इज इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन्स, तो उनका अगर रीपेमेंट में फ्यूचर में इशू आता है तो दैट इज नॉट इट डज नॉट हैपन। सो उसी के लिए CRAR को 125% तक इंक्रीज किया गया। एंड जो NFBCs एंड NBFCs होते हैं उसका क्या रोल होता है इसमें? जो NBFCs, क्योंकि NBFCs भी डिफरेंट टाइप्स के, जो सिर्फ लेंडिंग एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं उनकी हम यहाँ पे सिर्फ बात कर सकते हैं, बट जो रेगुलेटरी स्टेप है वो सिर्फ बैंक्स के लिए है। अभी NBFCs को डायरेक्टली ऐसे RBI रेगुलेट नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है, प्लांट्स आर मूविंग बियॉन्ड पॉलिनेटर्स एंड नाउ अनडूइंग को इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। सो प्लांट्स की यहाँ पे बात हो रही है, एरा ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट कुड रिस्ट्रेन फ्लावर्स। All that could change now, vivid flowers could soon be memories. ओवरऑल इसमें ये National बोलना चाह रहा हूँ, research, yes. ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और जो इम्पैक्ट है अर्थ के ऊपर, तो स्टडी किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर, विच फाइंड्स दैट प्लांट प्लांट कुड नॉट ग्रो स्मॉलर फ्लावर्स, कंटेन रिड्यूस नेक्टर एंड बिकम लेस अट्रैक्टिव। तो ये दिखाता है कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। अब लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर का ले लिया, फ्रेंच पेंसी नाउ प्रोड्यूसेस फ्लावर विच आर 10% स्मॉलर देन बिफोर। दिस लिंक्स टू एन एक्सटिंक्शन क्राइसिस इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिनेटर। हाई यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज के साथ ये इम्पैक्ट कर रहा है। बाकी जो फैक्टर्स ड्राइविंग द डिक्रीजिंग ऑफ द पॉलिनेटर, सेल्फ फर्टिलाइजिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। प्लांट्स नीड क्रॉस फर्टिलाइजेशन टू डेवलप रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस।
और वो जब इम्पैक्ट होता है तो दे आर मोस्टली प्रमोटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो इनका ब्लूमिंग टाइम होता है उससे पहले भी बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करने लग गए हैं, अगर हम हिमाचल प्रदेश के केस में भी देखते हैं या हिमालयन रीजन में बेसिकली देखते हैं हीटिंग की वजह से। सो इफ द पॉलिनेटर डिक्लाइंस कॉजिंग द रिडक्शन इन फ्लोज एंड नेक्टर्स विच को इंटेंसिफाई द पॉलिनेटर डिक्लाइन, तो एक क्रॉस और एक साइक्लिक रिएक्शन होगा एंड इट विल लीड टू लेस फ्लावर और फिर लेस पॉलिनेशन, फिर लेस फ्लावर, लेस पॉलिनेशन ओवरऑल। एंड मॉनसून का भी इम्पैक्ट आएगा ही ना फ्लावर्स के ऊपर भी डायरेक्टली। यस। हेलो। सो यहाँ पे बजट की बात हो रही है, ए टू जेड ऑफ बजट। ए टू जेड क्या होना चाहिए बजट के अंदर में? फर्स्ट फेब को इकोनॉमिक सर्वे या फर्स्ट फेब 31 जनवरी, मान सी यू कैन करेक्ट, और फिर उसका बजट पेश होता है। तो बजट में क्या होना चाहिए? अन्नदाता फार्मर्स के लिए प्रोविजन किया जाना चाहिए, एस्पिरेशन इंडिया प्रमोट करते हैं फार्मर्स के लिए, पीएम किसान और बाकी सब स्कीम्स सब्सिडी प्रमोट कर सकते हैं। फिर बी से बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट का बात होता है इसमें एंड यहाँ कि पे बात कैसे। करते हैं क्या कि डजन हर्ट अदर सेंटिमेंट्स एंड मोरल एंड लीव्स द वेलफेयर एट अ डिस्क्रिशनरी पावर विद द गवर्नमेंट लेटर। इकोनॉमिक सर्वे और डे बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड, सो मोस्ट प्रोबेबली 31 जनवरी को ही हमेशा रहते हैं। एंड इट इज रिलीज बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे। एंड एक और डेटा भी है यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन बजट वॉज प्रेजेंटेड इन 1860 बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन एंड द फर्स्ट बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 26 बाय फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी। इट वॉज एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यू कैन टेक अप बाकी सब। यहाँ पे फिर डी से डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे डेमोग्राफी की बात हम कर रहे हैं एंड डेमोक्रेसी की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को बोलते हैं। उसके बाद डेटा भी इंक्लूडेड होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग को, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि हमें कौन से सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसके बाद ई से इम्पावर्ड, इम्पावर्ड किसको कर रहे हैं, हम एडुकेशन को कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कर रहे हैं जहाँ पे जो कि फ्रंट रनर्स होते हैं। उसके अलावा एफ में फॉरेन एक्सचेंज है, फिस्कल डेफिसिट हैज टू बी द विनर हियर ओनली इफ एफ एम। सो फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप बता सकते हो मानसी दी, उसका इम्पैक्ट इन शॉर्ट। डे बिफोर वी टॉक्ड अबाउट फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। सो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का टोटल होता है, सब्ट्रैक्ट द टोटल इनकम। बस उसमें ध्यान देने वाली वाली बात यही है कि रेवेन्यू माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती हैं। तो कैपिटल में पूरा टोटल कैपिटल रिसीट्स नहीं लेते हम। एंड इम्पैक्ट की बात यही करते हैं कि इफ देर इज द साइज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इट इज इंक्रीजिंग, सो जो बोरोइंग कैपेसिटी है, जो हमने कल भी आंसर्स में बात करी इंटर जनरेशनल इक्विटी की, सो दैट गेट्स इम्पैक्टेड। जो फ्यूचर जनरेशन है दे हैव टू पे, और वी कैन से देर बी हायर टैक्स बर्डन ऑन देम द बोरोइंग इंक्रीजेज। इट वुड ऑल्सो इम्पैक्ट द इनकम इनइक्वालिटी, ऑल्सो इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट हो सकती है, एंड स्टेबिलिटी, पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज आप बोरोइंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो। ओके थैंक यू सो मच। इसके बाद जी से हम देखते हैं गरीब, तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जी से G20 की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की एंड देन आल्सो गिफ्ट सिटी जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, GST, गौ माता एंड आल्सो गुड गवर्नेंस। तो ये सारे फैक्टर्स जी से हमारे पास आ जाएंगे एंड देन एच से है हेल्थ केयर। यहाँ पे हम बात करें हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ,
तो हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसको ऐसे पुट किया जा रहा है कि पहले जैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो टर्म ये फ्रेज हम यूज करते थे कि इंडिया की जो एनुअल जीडीपी थी इट वाज नॉट एबल टू ग्रो बियॉन्ड 3% और 2.5%। सो अब बोला जा रहा है कि हिंदू को रिप्लेस करके देर सेइंग कि राइट नाउ जो इंडिया की प्रोग्रेस है दैट इज कॉल्ड द हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ, तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन हो गया। ओके, देन आई से है इसरो, एंड ऑल्सो इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इनकम टैक्स, बट वॉट डज इट स्टैंड आउट इज इसरो सिंगुलर अचीवमेंट. तो इसरो के अचीवमेंट के बारे में बात करी है, एंड फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन जे से है जन आंदोलन, दैट इज जन धन, देन आधार एंड मोबाइल, देन जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑल्सो जन आंदोलन. तो जन आंदोलन जो स्कीम है वो किसके लिए होती है? जन आंदोलन, जन आंदोलन स्कीम नहीं है, दिखा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन, चाहे आप लॉ मेकिंग की बात करो या पॉलिसीज की बात करो। स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन एग्जाम्पल है, आधार इज एन एग्जाम्पल ऑफ जन आंदोलन। तो गुड गवर्नेंस में जन आंदोलन पब्लिक पार्टिसिपेशन व्हिच इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी उसकी बात हो रही है। देन यहाँ पे लाभार्थी की बात हो रही है. लाभार्थी, दैट इज लाभार्थी, बेनिफिशियरी, लाभार्थी मतलब होते बेनिफिशियरी. वर्नेबल सोसाइटी, कैसे इसको प्रमोट किया जाए, उज्ज्वला योजना विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी, पीएम आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्री राशन, लाभार्थी, लास्ट माइल, जो महात्मा गांधी जी का विजन था लॉन्ग टर्म में, गांधी तालिस्मान इसको बोलते, कि अंत में जो लोग खड़े हैं उन तक पहुंचाना चाहिए लाभार्थी। मोदी जी की गारंटी, प्राइम मिनिस्टर्स गारंटी, एमएसपी, टैक्स कट फॉर द मिडिल क्लास, एमएसएमई कैसे प्रमोट करे, नारी शक्ति वंदन एक्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिजर्वेशन इन द लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल्सो द स्टेट असेंबली, नेशन फर्स्ट, नल से जल, नियत राइट पॉलिसी, राइट नीति एंड नियत, ODF +++, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में ODF, ODF प्लस, ODF +++ एंड वाटर प्लस, पंच प्रण, फाइव रेजोल्यूशन विच हैज बीन साउटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसको लिख सकते, पंच प्रण नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जैक्टली सोच सकते, सेडिंग ऑफ अ मेंटेलिटी ऑफ द स्लेवरी, डी कॉलोनाइजेशन का बात, प्राउड ऑफ अ ट्रेडिशन, डेडिकेशन टुवर्ड्स द इंडिया यूनिटी, एग्जाम्पल दे दो, शेडिंग द मेंटालिटी ऑफ स्लेवरी का इंडिया में अभी. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, पूरे जो माए बाप कल्चर कोट एंड कोट। फिर आर्मी में अगर बोला जाए तो वहां पर भी जो ट्रेडिशन है वो भी एक तरह से दिखाता है कि वो कॉलोनियल ड्रिवन है। तो आर्मी अगर ट्रेडिशन में अगर जाओगे तो वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में, फिर जो गोरा बोल रहा है वो सब सही है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इट शुड बी क्रिटिसाइज, तो ये भी एक मेंटेलिटी है। डीकोलोनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, अवेकनिंग द सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड द सर्विस। फिर बात होता है राम एंड रेलवे स्टॉक्स, स्लोगन्स, सत्यमेव जयते, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, विकसित भारत, विकसित भारत, वेल्दी की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ वेल आता है विकसित भारत में, वेलफेयर वर्सेस वेल्थ क्रिएशन, ये अच्छा एक वर्ड है दैट कैन बी रिटन, वेलफेयरिज्म प्रमोट तभी कर सकते हैं वेयर देर इज वेल्थ क्रिएशन, देन देर कैन बी अ इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के साथ अभी 80-82 के आसपास है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, युवा युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, जीरो वेस्ट, जीरो इमिशन, वेस्ट टू एनर्जी एक्सेट्रा। तो ऑल दीज थिंग्स की वर्ड आर देयर दैट विल बी प्रेजेंटेड, दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन बजट। एंड जैसा कि हमने वो फोटो में देखा जहाँ पे हम बजट को प्रेजेंट करते हैं, तो जो रेड फोल्डर है, क्या उसके लिए भी कोई नेम होता है हमारे पास? बही खाता, क्या होता है? बही खाता, बही खाता, ब्रीफ केस पहले तो इसको डीकोलोनाइज किया गया।
वही खत्म। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेज इजराइल मस्ट प्रिवेंट जेनोसाइड। येस्टरडे वी डिस्कस हाउ साउथ अफ्रीका हैव एलिज्ड दैट इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट द कॉमन पैलेस्टीनियन पीपल एंड आईसीजे एंड अदर वर्ल्ड पावर्स मस्ट कंडेम इट एंड मस्ट पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल। देर शुड बी अकाउंटेबिलिटी विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल रूल्स बेस ऑर्डर। नो स्टेट इज अबव लॉ, ये बोला जाता है। एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैव सेड दैट इट हैज रिजेक्टेड आउटरेजियस डिमांड टू डिप्राइव इजराइल ऑफ बेसिक राइट टू सेल्फ डिफेंस डिफेंड सेल्फ। तो कल का जो साथ अभी वही है कि फॉर प्रमोशन ऑफ द पीस प्रॉस्पेरिटी देर शुड बी अ नेगोशिएशन बिटवीन द टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन। टू स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन एंड बिग कंट्रीज एंड लीडर द ग्लोबल साउथ एंड द ग्लोबल वेस्ट शुड कम टूगेदर फॉर द इफेक्टिव सोल्यूशन। यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर टू मीट चाइनीज टॉप डिप्लोमेट एज बोथ सीक बेटर टाइज। तो वॉट आर द इशू बिटवीन द चाइना एंड यूएस? देर आर सेवरल इशू। बोथ यूएस वॉन्ट्स यूनिपोलर वर्ल्ड, चाइना वॉन्ट्स बाईपोलर एंड बोथ वॉन्ट देयर स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। दैट इज वाई दे आर यूएस इज यूजिंग इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन, चाइना इज यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन इंडियन ओशन। सेकेंड इंडियन यूएस एंड चाइना देर इज अ ट्रेड डिफिसिट विद रिस्पेक्ट टू चाइना। दैट इज वाई इंडिया इज यूएस इज प्रमोटिंग चाइना प्लस वन पॉलिसी। यूएस इज प्रमोटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजीज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना। सेल्फ रिलायंस इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, सपोर्टिंग ऑफ द ताइवान फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। देन यूएस इज ट्राइंग टू सपोर्ट जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया एंड ताइवान इन द साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। और यूएस चाइना के बीच में, हाँ, देयर इज अ राइवलरी ओवर द सेमी कंडक्टर एंड फोर्थ जनरेशन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ए आई, देन ए आई मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, वहां पर भी उनका राइवलरी है। बिकॉज चाइना इज अ लीडिंग पावर ऑफ पेटेंट पब्लिशिंग एंड फोर्थ एरिया स्पेस में बात कर सकते हैं, आई सी बी एम, न्यूक्लियर सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट कह दें। यूएस तो डिफेंस में एक ही हो गया बात। तीसरा सिक्स्थ में एक और एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, चाइना हैज़ अ विजन ऑफ बिकमिंग अ मिडिल एज किंगडम। इट इज़ प्रमोटिंग बीआरआई बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट इट्स सप्लाई चेन विद द यूरोप एशिया रीजन। यूएस इज काउंटरिंग दैट विद आईपीईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दैट इज नॉट एंटी चाइना बट इट इज ऑल्टरनेटिव टू चाइना। इंडिया इज ऑल्सो वेरी कीन इंटरेस्ट टू दैट लॉक। तो ये इतने सारे एरिया हो गए। एंड प्रॉक्सी वॉर इज ऑल्सो बींग फ्यूल्ड बाय द बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल यूएस हैव विदड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, चाइना इज इंटर्ड अफगानिस्तान। देर इज अ ग्रेट ग्रेट गेम इन इन अफ्रीका, जैसे दीबौती में उनके पास बेस है, मैडागास्कर हो गए, डिफरेंट एरियाज। चाइना इज इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड देर इज, हाँ, और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन चाइना इज यूजिंग डीप पॉकेट्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द मल्टीलैटरल। फॉर एग्जाम्पल WHO का रोल रहा कोविड के समय में, फिर IMF, UNGA एक्सेट्रा। वेर इज यूएस इज रिसीडिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। यूनेस्को में वो बाहर चल जा चुके थे, UNHRC में वो बाहर जा चुके थे। तो ओवरऑल ये दोनों इशू है चाइना और यूएस के बीच में एंड दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट एंड सीक बेटर टाइज। कैसे हुआ? सैन फ्रांसिस्को में पिछले महीने में मीटिंग हुआ था चाइना के जो प्रीमियर है सी जिनपिंग एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में। वी हैव डिस्कस दिस वन। मोदी मैक्रोन मीट फ्रेम्स स्ट्रेंडिंग टाइज बिटवीन ट्रेडिशनल एलाइज। दे ऑल टॉक्ट अबाउट द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, प्रमोटिंग अवर टूरिज्म स्पेशली इन राजस्थान। दे ऑल्सो
talked about upholding the spirit of the Paris Climate Act, that is creating of the institution such as ISA, International Solar Alliance, Club of Nation. That is ISA kya? It is promoting solar energy in the mostly in the equatorial belt of the region. They also signed green hydrogen in 2021, which brings French and Indian hydrogen's ecosystem together. They also signed civil nuclear deal. इसमें जैतपुर और बाकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उनका सहयोग रहा है. देन दे आर वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी इन फ्रांस. फर्दर फ्रांस ब्रॉक चाइना फ्रॉम रेजिंग द कश्मीर इशू. इन फ्रांस हैव ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया ऑन द स्टैंड ऑफ कश्मीर, ऑन द स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, ऑन द स्टैंड ऑफ परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑन द स्टैंड ऑफ द एनएसजी. सब में फ्रांस ने सपोर्ट किया. तो ये दिखाता है कि इंडिया एंड फ्रांस शेयर्स द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टुगेदर फॉर द लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट, SC/ST OBC स्टूडेंट रजिस्ट्री इन हाई एजुकेशन रोज बाय 18%. GSA पर थ्रू सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस वेलफेयर स्कीम्स. तो दिस शोकेसेस द इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द हायर एजुकेशन. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन 1823 एज इज 28.4, वेर एज ST एंड SC इज 25 एंड 21. और कैसे प्रमोट कर सकते हैं इनका इनको तो कैसे किया जा रहा है? देर इज अ रिजर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, देर इज अ स्पेसिफिक सब्सिडी, दैट इज लेस फीस दैट इज बीइंग पेड बाय द SC/ST OBC स्टूडेंट इन द नॉट SC/ST नॉट ओबीसी ST/ST स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन. स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रमोट कर सकते हैं. 5 years shows the overall enrollment was 3.66 crore, and marginalized community stood around 52.8 lakh. Capital punishment. First time US has now used lethal injection. नहीं, पहले लीथल इंजेक्शन यूज होता था 1982 में, अभी पहली बार नाइट्रोजन गैस यूज की गई फॉर द कैपिटल पनिशमेंट. इन इंडिया हैंग टिल डेथ इज अ प्रेसिडेंट इन द इन द कैपिटल पनिशमेंट. तो क्वेश्चन अराइज हम इन द एथिक्स कि इज कैपिटल पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी और नॉट, इट इज रिक्वायरमेंट और नॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्टैंड इज देयर कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट टू द क्रिमिनल्स हु हैव कमिटेड द हीनियस क्राइम, दैट इज ब्रूटल रेप, टेररिज्म, देन आर्म्ड इन्वेजन बोल सकते हैं या आर्म्ड रॉबरी एक्सेट्रा. ब्रूटल क्राइम, हीनियस क्राइम, उसमें कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है. अदर देन दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है. मोस्टली इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट कैन बी पार्डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय गवर्नर. तो पार्डन पावर गवर्नर का होता है, जब प्रेसिडेंट का होता है, जब पॉलिटी इंपॉर्टेंट डिटेन कर सकते हैं. तो हर एक कंट्री में अपने हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट होता है. एंड एक और इसमें एक इशू उठता है विथ रिस्पेक्ट टू कैसे कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए. इट शुड बी हार्मलेस, इट शुड नॉट बी सफरिंग टू द जो कन्विक्टेड पर्सन है. इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया, इसलिए हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं बाकी कंट्रीज में वेयर चॉपिंग इज यूज या फिर चॉप चॉप स्क्वायर, जैसे सऊदी अरेबिया में बोलते हैं हर जगह. तो इट शुड बी